मुनव्वर आना को दुनिया से रुखसत हुई महज अभी एक दिन ही नहीं हुआ है। वहाँ पर उन्होंने खूब पढ़ा लिखा है, लेकिन जो खबर हम आपको सुनाने वाले हैं, उस खबर पर मुनव्वर आना का ये शेर बिल्कुल फिट बैठता है। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। माँ कहाँ खफा होती है, भले ही उसके पार्थिव शरीर को महज एक जमीन के टुकड़े के लिए घंटों लकड़ियों की चिता पर क्यों लिटाए रखा जाए, मुखाग्नि ना दी जाए। 9 घंटे तक ये तमाशा चलता रहा। इन तमाशों के बीच अब पूरी कहानी जान लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नौशीन और आप देखना शुरू कर चुकी हैं लेट न्यूज। मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये मामला मथुरा के मसानी से शमशान घाट से सामने आया है, जहां 85 वर्षीय महिला पुष्पा की मौत के बाद उसी 3 बेटियों के बीच जमीनी हक को लेकर लड़ाई शुरू हो गई और कई घंटों तक महिला का अंतिम संस्कार नहीं हो सका। शमशान घाट पर अंतिम संस्कार की विधि संपन्न कराने आए पंडित भी घाट से लौट गए। कई घंटे तक शमशान घाट पर बेटियों का ड्रामा चलता रहा। इसके चलते अंतिम यात्रा में गए लोग परिजन परेशान हो गए। बाद में जब स्टैंप लाकर जमीन का लिखित बंटवारा कराया गया, तब जाकर अंतिम संस्कार हुआ। इस पूरे मामले में मुद्दा था 3 बीघा जमीन। दरअसल पुष्पा की 3 बेटियां हैं, जिनके नाम विघ्नेश, सुनीता और शशि है। बीते कुछ दिनों से पुष्पा बड़ी बेटी मिथिलेश के घर पर रह रही थी। आरोप है कि मिथिलेश ने अपनी माँ को बातों में लेकर करीब 1.5 बीघा खेत बेच दिया। इस बीच बीते दिन सुबह पुष्पा की मौत हो गई। ऐसे में मिथिलेश के परिजन पुष्पा का शव लेकर मसाने से मोक्षधाम अंतिम संस्कार के लिए पहुँच गए। जैसे ही इसकी जानकारी पुष्पा के अपनी 2 बेटियों सुनीता और शशि को लगी, तो वह भी शमशान घाट पहुँच गई। उन्होंने बड़ी बहन पर आरोप लगाते हुए माँ का अंतिम संस्कार करने से रोक दिया। दोनों बहनें मिथिलेश से माँ की संपत्ति का बंटवारा करने के लिए लड़ने झगड़ने लगी। सुनीता और शशि मांग करने लगी कि माँ की जो बची हुई संपत्ति है उसको हमारे नाम किया जाए, तभी हम अंतिम संस्कार होने देंगे। लेकिन मिथिलेश इसके लिए राजी नहीं हुई। बहनों के बीच ये लड़ाई काफी देर तक चलती रही। इस पर शमशान घाट पर काम करने वाले लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन वह भी काफी देर तक तीनों बहनों को समझाने में असफल रही। आखिर में शाम करीब 6 बजे तीनों बहनों के बीच एक लिखित समझौता हुआ, जिसमें लिखा गया कि मृतका की बची हुई संपत्ति को शशि और सुनीता के नाम दिया जाएगा, तब जाकर अंतिम संस्कार हुआ। ये यहाँ पर ये बॉडी आई है सुबह 10 बजे की। इन लोगों में विवाद चल रहा है कि कोई तो व्यक्ति बोल रहा है कि इनका पोस्टमार्टम करवाइए, इन लोगों ने ये मारी है, और जो दूसरा पक्ष है वो ये बोल रहा है कि नहीं, हमने मारी नहीं है, ये इनकी बीमारी की वजह से मौत हो चुकी है। इस वजह से सुबह से 8 बार तो यहाँ पर पंडित जी आ चुके हैं, जिनको ये लौटा चुके हैं, कभी बुला लेते हैं कभी लौटा देते हैं। ये जो माता जी गुजरी हैं, इनके नाम से कोई 3 बीघा खेत है उस, और इनका कोई लड़का इनका है नहीं है, केवल 3 बेटी हैं। इस वजह से ये लोग ये कह रहे हैं कि घर के जो और परिवार के लोग हैं कि ये खेत हमें चाहिए, तो अंतिम संस्कार कर लो, बेटियों करिए, नहीं खेत हमें चाहिए, नहीं तो हम अंतिम संस्कार नहीं करने। इसी चक्कर में इन्होंने लड़ाई हो रही है। ये था पूरा मामला। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया।